मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। आप आउटपुट में बिलीव करते हो। अच्छा बैनर भी ऐसा बनना है, डेट लिखी है, हर साल काम आने वाला बैनर, आप तो अगले साल की सोचने वाले हो, भविष्य में के लिए जो सोचते हैं, इसलिए आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें सफल होते हैं, क्योंकि आप हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, कोई टेंशन लेना नहीं आप लोग। पिता के तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता के तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं, जब भी कोई लेने की जिद करोगे तो बस एक बार पूछेगा, क्या चाहिए बेटा, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए वो अपनी मेहनत को तोलेगा। अपने पिता की कदर कीजिए, क्योंकि उसने अपना सब कुछ छोड़कर आपको सब कुछ दिया है। पापा मेरे माय नेम इज राधिका अमृतकारा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि हमने कवियों के साथ खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स जगत में जिन्होंने अपने चेंबूर का नाम रोशन किया, उसमें एक मनीष शर्मा है जिन्होंने आज से कुछ समय पहले नवी मुंबई श्री का अवार्ड पावर लिफ्टिंग में जीता, और कल ही महाराष्ट्र स्टेट का एक कंपटीशन था जिसमें गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि चेंबूर में ऐसे तीन खिलाड़ी अपने बीच रहे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में बेस्ट इंडियन टीम के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी कलेक्टर कॉलोनी में रहता है बच्चा, एक मातृशक्ति के रूप में अपनी बच्ची जिन्होंने अच्छा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप अवार्ड अपने कॉलेज में जीती, और इनकी उम्र मैं आपको बताऊंगा तो आप सुनने से हैरान हो जाएंगे, 45 इयर्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है महाराष्ट्र में, और इनके साथ इनका चिरंजीव वो भी मेडल जीतकर आया है कि पिताजी को प्रेरणा देने वाला बेटा, और आज कल दोनों ने मेडल जीते, आज उनका हम सम्मान करेंगे। तो सभी से मेरी विनती है कि अपन खिलाड़ियों को उनका प्रोत्साहन करने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए, बट हमारे सांस्कृतिक कला मंच के अध्यक्ष श्री वल्लभ जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो मनीष शर्मा जी को मान सम्मान करें।